गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जियो में जो सेवन्थ लेसन है उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है, तो आज हम जो इसके लास्ट पेज पर की क्विक रिव्यू दिया हुआ है, तो उसके थ्रू हम जो है इस लेसन में देखेंगे हमने क्या क्या रीड किया है, क्या हमें क्लियर हुआ है। सबसे पहले देखो, एशिया अ लार्ज लैंड मास हैज द हॉटेस्ट कोल्डेस्ट एंड द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। एशिया जो है, एशिया अ लार्ज लैंड मास, इसमें क्या है, हॉटेस्ट कोल्डेस्ट और वेटेस्ट प्लेसेस हैं अर्थ पर। क्लियर। एशिया इज इन ऑल द थ्री हीट जोन्स एंड द क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम एन इक्वेटोरियल टाइप टू द टेंड्रा टाइप। एशिया जो है थ्री जोन्स में, थ्री हीट जोन्स में है, जहाँ पर जो क्लाइमेट रेंजेस हैं वो इक्वेटोरियल टाइप से टेंड्रा टाइप में हैं। इन एशिया द प्लेसेस विच आर लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव अ लो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एशिया में जो प्लेसेस सी कोस्ट के पास लोकेटेड हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस रन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ज़्यादातर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक रन करती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। एंड डू नॉट परमिट कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। डू नॉट परमिट का मतलब है कि वो जो है ठंडी हवाओं को परमिशन नहीं देती। जो ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं, फ्रॉम द नॉर्थ, ठंडी हवाओं को एंटर करने के लिए परमिशन नहीं देती जो नॉर्थ से आती हैं। द मॉनसून विंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन एशिया। जो मॉनसून हवाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, क्लाइमेटिक कंडीशंस को शेप देने में। क्लाइमेटिक कंडीशंस में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो एशिया में, उसके लिए जो मेन रोल प्ले करते हैं वो हैं मॉनसून विंड्स। द मेन क्लाइमेटिक टाइप्स इन एशिया आर, जो क्लाइमेटिक टाइप्स हैं एशिया में वो हैं टुंड्रा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड इक्वेटोरियल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ओके, आफ्टर दैट इन द टुंड्रा रीजन द विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड। टुंड्रा रीजन्स में क्या होता है, जो विंटर्स हैं वो लॉन्ग और कोल्ड होते हैं, वाइल द समर्स आर शॉर्ट एंड कूल। और जो समर्स हैं उसमें क्या होता है, शॉर्ट और कूल रहता है। क्लियर। मीन्स कि जो विंटर है, विंटर का ऑपोजिट हो जाता है समर में। ओके, आफ्टर दैट इन द टेम्परेट रीजन्स, हमने पहले बात की थी टुंड्रा रीजन्स की, अब टेम्परेट रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। इन द टेम्परेट रीजन द विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड द समर्स आर वॉर्म। विंटर्स जो हैं कोल्ड होते हैं और समर्स वॉर्म मीन्स गर्म रहते हैं। इन द ट्रॉपिकल रीजन द विंटर्स आर कूल एंड ड्राई। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, जो विंटर्स हैं वो कूल एंड ड्राई, वाइल द समर्स आर हॉट एंड वेट। मीन्स कि सभी रीजन्स में क्या हो रहा है, अगर विंटर्स कूल हैं या कोल्ड हैं तो जो समर है वो वॉर्म हो जाएगा, मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा। इन द मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स द विंटर्स आर कूल एंड द समर्स आर वेरी हॉट। मतलब जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं वहाँ पर विंटर क्या है, कूल है, और समर्स जो हैं काफ़ी गर्म हैं। इन द इक्वेटोरियल रीजन देयर इज नॉट एनी डिस्टिंक्ट विंटर सीजन एंड द टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है पूरा साल। द नेचुरल वेजिटेशन इन एशिया वेरीज फ्रॉम मोसेस एंड लिकेन्स इन द टुंड्रा रीजन टू द थिक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। मतलब एशिया जो है, नेचुरल वेजिटेशन एशिया में जो है उस वो वैरी, काफ़ी सारे उसमें मोसेज और लिकेन्स इन द टंड्रा रीजन, टंड्रा रीजन में मोसेज और लिकेन्स देखने को मिलते हैं। एंड टू द थिक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल बेल्ट द टंड्रा रीजन रिमेन्स अंडर स्नो। मतलब स्नो के से ढका रहता है एंड नथिंग ग्रोज, वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता किसके अलावा, एक्सेप्ट मोसेज एंड लिकेन्स। मोसेज क्या होता है, मोसेज का मैंने आपको पहले भी मीनिंग क्लियर किया था, इट मीन्स काई। मोसेज एंड लिकेन्स को बोला जाता है, जैसे काई हिंदी में बोलते हैं हम इसे। द एनिमल्स इन द टुंड्रा रीजन हैव थिक फर ऑन देयर स्किन। जो टुंड्रा रीजन में एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनकी स्किन पर काफ़ी मोटी फर होती है, विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, जो उन्हें बचाती है काफ़ी ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट से। द एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट इन द टैगा रीजन इंक्लूड, एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो टैगा रीजन में है उसमें इंक्लूड किया जाता है पाइन, फिर स्प्रूस, लार्क एंड द सीडार ट्रीज। यहाँ पर ये सारे जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, देखने को मिलते हैं। द मेन फर बीरिंग एनिमल्स इन द टैगा रीजन,
टैगा रीजन में जो फर बियरिंग एनिमल्स देखने को मिलते हैं, मिंक, आर्टिक फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, सेबल एट्सेट्रा, ये सब जो एनिमल्स हैं वो टैगर हैं। पहले हमने बात की थी ट्रीज़ की, कौन कौन से ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, कौन कौन से एनिमल्स जो वहाँ पर मिलते हैं। द ट्रीज़ इन द मॉनसून फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, मॉनसून फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं इन द लॉन्ग एंड ड्राई विंटर सीजन। लॉन्ग और ड्राई विंटर सीजन में मॉनसून फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। द मेन वाइल्ड लाइफ इन द मॉनसून फॉरेस्ट आर, मॉनसून फॉरेस्ट में जो मेन एनिमल्स हमने देखने को मिलते हैं, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, डियर, स्टैग, रियांस एट्सेट्रा। क्लियर। राइनोसोर्स, जैसे यहाँ पर रिनाज की बात की गई तो राइनोसोर्स हम जिसे कहते हैं। द थोनी फॉरेस्ट इन द ड्राई एरियाज हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक लीव्स विद बार्क्स, मतलब थोनी फॉरेस्ट में इन द ड्राई एरियाज, ड्राई एरियाज में जो थोनी फॉरेस्ट हैं उसमें क्या होता है, उनकी जो जड़ें हैं काफ़ी लंबी होती हैं और जो उनकी पत्तियाँ हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। कैमल, गैजल, जैकल्स एंड एसेस आर द सम ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन्स, ड्राई डेजर्ट रीजन्स में ये सब जो एनिमल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ थिक अंडरग्रोथ आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स, इक्वेटोरियल रीजन्स में जो फॉरेस्ट, द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ थिक अंडरग्रोथ, मतलब जो घने जंगल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन्स में। द मेन एनिमल्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर, मेन एनिमल जो होते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में वो कौन कौन से हैं, मंकीज, एलिफेंट्स, स्लोथ बियर्स, एपेज, लिजार्ड्स, एलिगेटर्स एट्सेट्रा। ओके, इट मीन्स कंप्लीट जो लेसन हमने रीड किया है उसमें हमने ये सब जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर हुए हैं। ओके, तो जो लेसन की समरी है वो आपको इन पॉइंट्स के थ्रू बता दी गई कि इस लेसन में हमने ये सब क्लियर किया है। तो आपको ये जो क्विक रिव्यू है उसे अच्छे से रीड करना है और साथ में जो इसके आज हम करेंगे ओरल क्वेश्चंस। ओके, अब मैं इसको जो इसके ओरल क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके जो ओरल क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चंस आपने अच्छे से इसको सिर्फ लर्न करना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो हमने क्विक रिव्यू अभी रीड किया है उसमें ही इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लाइमेट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, रेंज ऑफ क्लाइमेट बताना है हमने एशिया में। तो सबसे पहले हमने यही जो है रीड किया था क्विक रिव्यू में, एशिया इज़ इन ऑल द थ्री हीट जोन्स एंड द क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम एन इक्वेटोरियल टाइप टू टुंड्रा टाइप, सो इट्स आंसर इज इक्वेटोरियल टाइप टू टुंड्रा टाइप। विच ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इन जापान, जापान में कौन सा जो ओशन करंट है, कौन कौन से ओशन करंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, ओशो कोल्ड करंट एंड कुरेशो वार्म करंट। एंड विच पार्ट ऑफ एशिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स, एशिया में कौन सा पार्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है मॉनसून विंड से, दैट इज़ साउथर्न पार्ट। ये आपको क्लास में भी काफ़ी अच्छे से लर्न करवाए जा चुके हैं, तो दोबारा से आपने इसे रिवाइज करना है फॉर एग्ज़ाम। क्लियर। Why do animals have thick fur in the tundra region? Tundra region में जो animals हैं उन पर thick fur क्यों होती है, हमने काफ़ी बार lesson में इसे read किया है। अब जैसे इसमें quick review में भी आपको दिया हुआ है, the animals in the tundra region have thick fur on their skin which protect them from the extreme cold climate. Okay, which protect them from cold. Okay. And what is the main use of softwood from the coniferous trees? Softwood जो हमें मिलती है coniferous trees से उसका क्या main use है? It is used for producing pulp, paper and rayon. क्लियर। तो ये जो ओरल क्वेश्चंस हैं वो आपको लर्न करने हैं एंड इसकी रिटन प्रैक्टिस भी आपने करनी है जितने भी है, मैं आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।